आंदोलन के नाम पर चंदा होगा ही मत कीजिए। मोतीलाल ने इस पूरे आंदोलन को कई भागों में बांट दिया। झूठ बोलकर मुंबई जाकर मोदी जी का मन का बात सुनते हैं और यहाँ का फिर बोलते हैं ना ना ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। जब जयराम को यहाँ डिटेन किया गया था, गिरफ्तारी नहीं डिटेन किया गया था, तो सबसे पहले मोतीलाल महतो भाग जाते हैं और उसके बाद वीडियो बनाते हैं कौन टाइगर को अरेस्ट करेगा जी। वाह, मोतीलाल मंच पर चढ़कर शायरिया पढ़ते हैं। किसकी शायरिया पढ़ते हैं? रामायण महाभारत की। अगर तमाम साथी एक साथ लड़ते, मुख्यमंत्री मंत्री बनने का सपना नहीं होता, सरकार बनाने का काल्पनिक सपना नहीं होता। हाँ, जयराम को बॉडीगार्ड अपने आप को विधायक समझते हैं, जबकि बॉडीगार्ड काम सुरक्षा देना होता है, नेता समझ में। क्योंकि जयराम महतो आंदोलनकारी नहीं नेता हो चुके हैं कल के बाद। जयराम अगर सुन रहा होगा इस लाइव को तो हम तुमको कह देते हैं, भाई सुन लो, तुम्हारे अंदर भले ही बहुत क्षमता है, तुम बहुत बेहतर करने की कल्पना रखते हो, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हैं उसने तुम्हारे विवेक को मार दिया है। मानव श्रृंखला के दिन जयराम महतो के इंटरव्यू मेरे चैनल पे। सुदीप महतो कौन है यहाँ? जयराम महतो, राजू महतो, दयामय बानवार, प्रदीप महतो, ओम प्रकाश डुमरिया, रोहित कुमार, तमाम महतो लोग हैं। ये सवाल जयराम पर नहीं है, ये सवाल उसके साथ रहने वाले मोतीलाल पर है। मोतीलाल महतो इस आंदोलन में आते हैं, उसके बाद चीजें बदल जाती हैं। थक गए एक्चुअली, बहुत हड़बड़ी में हम आए। हाँ, पहली बात, ये आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, हम हिंदी में बोल रहे हैं ताकि तमाम लोगों को सुनाई दे। और हम इसलिए इतने दिनों तक मौन थे, चाहे हमारे पर जितने भी आरोप लगे, मुझे जिस तरीके से कहा गया, अभद्र अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया मेरे लिए, मेरे साथ रहने वाले लोगों को जो मन सो कहा गया, लेकिन हम मौन इसलिए रहे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आंदोलन के दौरान आपस में जो डिस्प्यूट है या जो झगड़ा है वो दिखाई पड़े। लेकिन अब क्या है, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टी हो गई है, राजनीतिक दल बन गया है, तमाम जो लोग आंदोलन कर रहे थे सब ने राजनीतिक दल बना लिया। अब आंदोलन करने के लिए, आंदोलन के नाम से कोई राजनीतिक कोई संगठन नहीं है। जेबीएसएस को फिलहाल छोड़ दिया जाए अगर तो बहुत एक्टिव नहीं है, तो इसलिए अब बोलना जरूरी है। और हमको किसी व्यक्ति से कोई बैर नहीं है, कभी नहीं रहा है। मेरा इतिहास जिनको पता है, जो लोग जानते हैं कि पिछले 16-17 सालों में आकाश ने क्या किया है, जो भी जानते हैं, और पिछले 16-17 साल बहुत लंबा ये हो गया, ये एकदम मिस्टेक में था। पिछले 6-7 सालों से मैंने जो किया है, चाहे वो दौर रघुवर का हो, फिर सरकार हेमंत की आई, और क्या क्या मैंने किया है वो लोग जानते हैं। मेरा एक फेसबुक अकाउंट बंद हो गया, वहाँ बहुत डिटेल्स मिलता, लेकिन नया अकाउंट बना, नया पेज बना। मेरा एक पर्सनल जो पेज था वो बंद कर दिया गया और बहुत रिपोर्ट करने का उसको समाप्त कर दिया। तो जिनके पर हम बहुत दुखी नहीं होते हैं जब लोग टीका टिप्पणी करते, लेकिन इस बार जो हुआ पिछले कई दिनों से, पिछले मतलब एक साल से जो आरोप और प्रत्यारोप मेरे ऊपर किया जा रहा है बिना किसी सबूत के, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो बातचीत करेंगे वो जिनके बारे में कह रहे हैं वो तमाम लोग समझ जाएंगे। मोबिन अंसारी यहां मौजूद है, उन्होंने जोहार भाई लिखा है, और मोबिन अंसारी आंदोलन के पहले दिन के गवाह हैं कि जो आंदोलन अभी खतियान वाला चल रहा है, इसके पहले जो भाषा वाला आंदोलन था, वो उसके गवाह हैं वो। और वो पहला दिन जिन लोगों को बिरयानी खिलाए थे कि आप लोग आंदोलन में जा रहे हैं बिरयानी खा कर जाइए, क्योंकि उनका होटल चलता है, वो जानते हैं। किशोर महतो लिखते हैं, पहले सबको जवाब, हम पहले जवाब देते हैं। किशोर महतो लिख रहे हैं, पहले अनूप सिंह का विरोध करता था, साथ में खाना खाता है, किस तरह रंग बदलता है देख। मेरे साथ में खाना खाने का फोटो अगर है किसी के पास तो भेज दिया जाए। किशोर महतो, रितु की बातचीत करने से अच्छा है कि सब उसके साथ बात करे। सुनील दा जोहार, जसिम जस्सी भाई जोहार, ये लिख दीजिए, फोटो डाल दीजिए इसमें कि हम अनूप सिंह के साथ खाना खा रहे थे। और एक जन लिखता है कि सूत रात हो गया भाषण मत, ऐसा है कि मेरे लाइफ पे जिसको होना होगा वो होंगे, जिसको नहीं होना होगा नहीं होंगे। किशोर महतो है, अगर आपके पास कोई ऐसी तस्वीर या कोई सबूत तो वो डाल दीजिए, और हम ऐसे कई तस्वीरें डाल देंगे कि जिस नेता के आसपास आजकल आप लोग हैं, वो नेता किन किन लोगों से मिलता है, किन किन लोगों के साथ उसकी तस्वीर है आंदोलन के बाद से। कल जिस पार्टी का गठन हुआ, वो पार्टी बार बार इस बात को कहती है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिलेंगे या किसी पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलेंगे। और मेरे पास फोटो है कि एक भाजपा के नेता को निमंत्रण दिया गया है, बकायदा
उसको निमंत्रण पत्र दिया गया, श्यामदा जोहार, विकास मुंडा दा जोहार, प्रदीप कुशवाहा जोहार। और हमको लगता है कि आपको टिकना चाहिए इस लाइफ के अंदर, क्योंकि रेमंड हेम्ब्रम जोहार, क्योंकि जो जो तरीका है इस आंदोलन का फिलहाल कुछ महीनों और कुछ सालों से, मतलब कुछ साल नहीं कुछ महीनों से, वो तरीका एकदम इस राज्य के कैरेक्टर को शोभा नहीं देता है। इस राज्य का जो चरित्र है उस चरित्र को वो तरीका शोभा नहीं देता है। शुभम पाल लिखते हैं, महेंद्र सिंह धोनी से क्या समस्या है? ऐसा है कि हम महेंद्र सिंह धोनी से बात कर के मसले पर बात कर रहे हैं, इस मसले पर आए उसको सुना। जावेद अंसारी लिखते हैं कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है लाइव में, माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं नहीं गलती, मुबीन अंसारी लिखते हैं, मुबीन अंसारी आप उस गवाह हैं उस पूरे आंदोलन के। मनोहर महतो लिखते हैं, आंदोलन आप ही शुरू किए हैं बोकारो में, ये बात विस्तार से, झारखंड का भला सब चाहता पर आपस में क्यों लड़ाई होती है? हाँ एक्चुअली बात सही है। हम आते हैं शुरुआत के आंदोलन, राहुल जोहार, तारीख थी 23, आपका पार्टी प्रॉब्लम पार्टी से है या जयराम महतो से? मेरा प्रॉब्लम ना तो जयराम महतो से है, हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, हम पहली बार नाम ले रहे हैं, मैंने कभी नाम भी नहीं लिया है और ना नाम लेकर कभी कोई टिप्पणी की है। हम पहली बार कह रहे हैं कि मेरा ना तो प्रॉब्लम जयराम महतो से है, ना उनकी उनके संगठन से था, ना उनके पार्टी से है और ना कभी रहेगा। एक ही विचारधारा के लोग हैं, शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कुछ तरीकों पर मेरा जरूर उनसे तर्क होता है और कुछ तरीकों पर मेरा उनसे टकरार है, लेकिन वो कभी भी पब्लिक डोमेन पर हम लेकर नहीं आए हैं। सबसे पहले आंदोलनकारी जोहार, हाँ तो आंदोलन की शुरुआत 2021 के साल में, साल 2021 था, महीना था दिसंबर का, तारीख थी 23। एक नोटिफिकेशन निकलता है जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिला वाइज नियुक्तियों में उसको उसमें बोकारो धनबाद में भोजपुरी मगही को डाला जाता है, विवाद वहां से शुरू होता है। विवाद वहां से स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि उसकी जानकारी हमको नहीं थी और लगातार 23 तारीख के शाम के बाद से 24 तारीख को फेसबुक में जब लोग लिखना पढ़ना शुरू किए तो दयामय बनवार दादा है, मनीष एक भाई है और ऐसे दो तीन और लोग जिनके फेसबुक पोस्ट को हम देखते हैं। और उसके बाद मेरा उनसे संपर्क पुराना था, मनीष से भी संपर्क पुराना था और दयामयदास से भी संपर्क पुराना था, तो हम उनसे मिलते, मतलब मेरी फोन पे बातचीत होती है, फिर ये तय होता है हम फेसबुक पर लिखना कुछ ना समझ करते हैं 24 को, और ये तय होता है कि गूगल मीट किया जाए। गूगल मीट की घोषणा 2-3-4 लोगों ने की गई और दो तीन लोगों ने तैयारी पर बात की, लेकिन मनीष जो है मनीष ने लिंक जनरेट किया और मनीष ने मुझे व्हाट्सएप किया और कहा कि आप सर्कुलेट कर दीजिए। मनीष ने सर्कुलेट किया, मैंने भी सर्कुलेट किया और उसके बाद फिर वो आंदोलन बढ़ा और गूगल मीट में 60-70 लोग आए और हम सारे सवालों का जवाब देंगे पढ़ पढ़ के, फिलहाल आप लिखे उसको बात कर, तो 60-70 लोग आए और फिर उस गूगल मीट में यह तय हुआ कि बोकारो धनबाद में 25 दिसंबर को जो निर्मल महतो की जयंती होती है उस दिन हम लोग बोकारो धनबाद के तमाम चौक चौराहों में उस पर्ची को जलाएंगे, जो पर्ची मतलब जो नोटिफिकेशन उसको जलाएंगे उसके हार्ड कॉपी। तो फिर लाइव में ही कई लोग और जो मतलब उस लाइव उसके बाद लाइव आते हैं, लाइव में कई और लोग जुड़ते हैं, फिर फाइनली ये होता है। और उस समय तक हम पत्रकार हैं, मेरे जिंदगी का पत्रकारिता का जो जीवन है वो 2016 आसपास से शुरू होता है रघुवर के दौर से और ये लंबा चलता है और उस तक हम पत्रकार रहते हैं। हम राष्ट्रीय खबर जैसे अखबार, अपनी रांची जैसे अखबार, फिर वहां से निकलते हैं तो वेब की दुनिया आती है, तो वेब में न्यूज इन जैसे वेब पोर्टल पे, फिर फॉलोअप में आते हैं हम, फिर BNN भारत एक होता है उस पर आते हैं, फिर अपना एक पोर्टल हम डिजाइन करते हैं, हम संजय मेहता और निरंजन भारती तीन साथी मिलकर
ग्राम सभा, और उसके बाद फिर वहां किसी कारण से हम लोग तीनों अलग हो जाते हैं, फिर फाइनली ये लोकतंत्र आता है। ये लोकतंत्र आंदोलन के दौर में ही आया है, और हमारा ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट भी आंदोलन ही था। और जिन जिन मुद्दों को हमने उठाया शायद किसी मीडिया हाउसेस ने उठाया, और जिन जिन मुद्दों पर हमने प्रखरता से अपनी बात रखी वो शायद किसी मीडिया हाउसेस ने बात रखी। तो फिर मैंने कहा कि जब मेरा राज्य का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, मेरा मेरा ऑफिस नहीं, मतलब मेरा भाषा नहीं बचेगा, तो फिर हम पत्रकारिता किन के लिए करेंगे। तो मैंने कहा कि हम पेन डाउन करेंगे और हम जाएंगे आंदोलन। फिर हम आंदोलन में गए, बकायदा पेन डाउन करके हम लिखना पढ़ना छोड़ के आंदोलन में गए। उस लाइव में एक चेहरा जिसे हम पहले चंद्रशेखर, जिसे पहले हम राक्षस राज रावण के नाम से जानते थे, हम आज उसका भी नाम लेना चाहते हैं। उसको हमको बाद में पता चला कि उसका नाम मोतीलाल महतो, हम उसको राक्षस राज रावण के नाम से जानते थे। और उस व्यक्ति को पहले मीडिया में कवरेज भी मेरे ही ग्राम सभा में दिया गया था। और 2020-21 मतलब रघुवर हेमंत सरकार के कार्यकाल में 7JPSC का जब मसला चल रहा था, तो व्यक्ति धरने पर था और मेरे विचारधारा का व्यक्ति नहीं था। राक्षस राज रावण मेरे विचारधारा का व्यक्ति नहीं था, वो RSS विचारधारा का व्यक्ति था, और कंटिन्यू उसके पुराने पोस्ट जिसने उसको डिलीट किया वो व्यक्ति मेरा मेरे 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 विरोध में रहता था। और मुझे जब रघुवर सरकार थी तब से वो मेरे विरोध में था, उनके कई और साथी जो थे विरोध में थे। और फिर मैंने उस व्यक्ति को पेड़ पर देखा और वो 7JPSC का बोर्ड लिए, ग्राम सभा था उसमें 7JPSC रद्द करो का बोर्ड लिए, वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है। मैंने कहा आप वहीं रहिए, मैं माइक भेजता हूँ, वहीं से आपकी बातचीत हम करें। उस बातचीत को रिकॉर्ड किए और उसके बाद फिर वो बातचीत को हम लोगों ने डाला, तो लोगों ने देखा और लोगों ने उसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया, तो वीडियो चला। फिर उसके बाद राक्षस राज रावण का वीडियो चला, वो राक्षस राज रावण ही मोतीलाल महतो है। पहले उनके अकाउंट का नाम राक्षस राज रावण था, वो मोतीलाल महतो है। आंदोलन के बाद, आंदोलन से पहले वो मोतीलाल महतो लिखते थे, राक्षस राज रावण लिखते थे, आंदोलन के बाद मोतीलाल महतो लिखते थे। फिर जिस दिन 25 तारीख को जाना था तो हम दोनों की बातचीत रात में ही हो गई थी कि हम दोनों साथ में जाएंगे, मोतीलाल महतो यानी राक्षस राज रावण और हम दोनों साथ में जाएंगे। मेरे साथ एक मेरा जूनियर था मनीष कुमार उसका नाम है, वो भी साथ में गाड़ी में था। लेकिन क्योंकि सुबह हड़बड़ी में निकले तो हम भूल गए कि मोतीलाल महतो को यानी राक्षस राज रावण को लेकर जाना है। तो फिर हम निकले और ओरमांझी से थोड़ा पहले यानी जब आप जेबी उद्यान पार करेंगे तो उसके बाद, और हम मोराबादी से लाइव हैं कंटिन्यू अपने फेसबुक पर, लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आना चाहिए। हम मेरे जिम्मे में जो था वो चौक था, बिरसा मुंडा चौक, तो हम लोगों को आह्वान करते आइए और लगातार फोन पे बातचीत करके। तो उसी बीच मोतीलाल महतो ने लाइव किया कि मतलब कमेंट किया लाइव में कि देरी हो गया है, हमको भी जाना था, हमको ले लीजिए। तो हम फिर वापस आए, सोचिए 5-10 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर का इलाका था, वहां से वापस आए और फिर मोतीलाल महतो को लिए। और उसी दौरान जो मोबिंदा हैं उनके यहाँ जाके ये मोतीलाल, हम और मनीष ने बिरयानी खाई। लाइव देखकर मोबिंदा ने मुझे बुलाया कि आप खाते हुए जाइए, तो हम खाते हुए निकले क्योंकि 2:30 बजे तक वहां पहुंचना था, बिरसा मुंडा चौक नया मोड मतलब बुकारो। फिर यहां से निकले तो मोतीलाल महतो ने मुझे जो देखा कि मैं कंटिन्यू फोन पर बात कर रहा हूं, लोगों को बुला रहा हूं, तो मोतीलाल अगर लाइव सुन रहे होंगे तो हमको लगता है कि आप इस बात को डिनाई नहीं कर पाएंगे जो बात मैं कह रहा हूं। तो मोतीलाल ने ही मुझे कहा कि तुम फोन पे बात कर रहे हो तो तुम कार हम चला देते हैं, बहुत नए ड्राइवर हैं, बहुत नया सीखे हैं लेकिन चला लेंगे। और मेरे साथ मनीष भी था। मोतीलाल ने गाड़ी चलाई, हम कंटिन्यू फोन पर बात करते गए और लगभग 250 लोग हम 2:30 बजे तक पहुंच गए। 3 बजे हम सेक्टर 4 गए और सेक्टर 4 में हम लोग चाय पीते हैं, हम मोती और मेरे साथ जो मनीष था, क्योंकि मेरे ऊपर वारंट था उस समय भी, शक्ति महतो जो है धनबाद से, शक्ति महतो वो गवाह हैं इस बात का कि पुलिस नया मोड़ में मेरा इंतजार कर रहे थे हमको अरेस्ट करने के लिए। शक्ति महतो को आकर पूछा जाता है कि वो दाढ़ी वाला लड़का आया है कि नहीं आया है, बाल वाला दाढ़ी वाला, तो शक्ति महतो बोलते हैं अभी तक नहीं आया। और जैसे ही उस जगह पर हम पहुंचते हैं लगभग 3 बजे के आसपास और 250 आसपास वहां क्राउड है, फेसबुक और बाकी चीजों को करके
फेसबुक और बाकी चीजों से लगभग 250 लोग पहुंचे हैं। उस वहां उस समय तक कोई नहीं है, सिर्फ 250 लोग पहुंचे हैं जो वेट कर रहे हैं कि हम कब आएंगे, क्योंकि मेरे फोन से और मेरे फेसबुक लाइव से लोग वहां पहुंचे थे। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं कि आंदोलन के जड़ को कमजोर बताया गया है। आंदोलन का जो जड़ है, जिसको बार बार ये कहा गया कि 50 लोग थे और 50 लोगों ने आंदोलन शुरू किया और वह आंदोलन लगभग 5 करोड़ लोगों तक पहुंच गया, ये बहुत बेसलेस बात है, इसका कोई वजूद नहीं। हम इस पर आएंगे। और तब हम लोग 250 लोग वहां थे और इसका वीडियो तमाम बोकारो के मीडिया हाउसेस का आप निकालिए, हमको कहिएगा तो हम एक एक स्क्रीनशॉट्स लगा देंगे। ऐसे ऐसे चेहरे थे जो चेहरे आज इस आंदोलन में नहीं है, और उसका कारण ये नहीं है कि तमाम लोग बिक गए या पैसा ले लिए सरकार से या किसी एक नेता से। तमाम लोगों ने उपेक्षा झेली इस आंदोलन में, तब वो लोग अपने सम्मान के लिए निकल गए। सोहराय हांसदा, नजरुल अंसारी, अरविंद सिंह राजपूत, शक्ति महतो, ऐसे कई नाम है, ऐसे कई नाम है, हम नाम गिना देंगे। गुलाम थे मेरे मेरे इलाके के, मेरे गांव के कई लोग थे, कई लोग थे उसमें। मानव श्रृंखला बहुत बाद की घटना है, मानव श्रृंखला उसके लगभग 1 महीने बाद की घटना है। इस मानव श्रृंखला का जी तमाम जगह पर हो रहा है। उस समय कई लोग थे उस पहले दिन के ये लड़ाई में। और पुलिस आती, हम वहां पहुंचते हैं, मेरे साथ कुंडोरी, सिबुटाड़, कनारी, उस तरफ के जितने युवा है वो मेरे साथ सेक्टर 4 पहुंचते हैं। सेक्टर 4 से हम लोग बाय बाइक कार वहां पहुंचते हैं, क्या बोलते हैं, नया मोड़। और जैसे ही पहुंचते तैसे ही पुलिस आती है और पुलिस मेरे तरफ ही आती है। हम एक ही, क्योंकि शक्तिदा से मेरी बात हो गई थी, शक्तिदा ने कहा कि पुलिस तुमको ढूंढ रही है। तो मैंने कहा शक्तिदा को कि कई नाम थे और कई नाम थे जिन लोगों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, बता रहे हैं। शक्तिदा को बोले कोई चिंता नहीं करना। हम जैसे ही वहां पहुंचते हैं पुलिस मेरे पास आती है, मैंने एक लाइन कहा कि साहब आप पहले जाम छुड़ा लीजिए, साहब पहले आप जाम छुड़ा लीजिए, फिर हम हैं, हम कहां जाएंगे। पहले जाम छुड़ाने की बात होती है और जब तक जाम छुड़ता है तब तक सारा कार्यक्रम हो जाता है, सारा कार्यक्रम, पर्ची जलाना और बाकी सारी चीज, नोटिफिकेशन जलाना, सब कुछ हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैंने, मेरे द्वारा स्टार्ट किया वो आंदोलन है। मेरे द्वारा कभी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आंदोलन स्टार्ट नहीं होता है, एक समूह तय करता है और उस समूह में किसकी मानसिकता मजबूत होती है, किसकी बातों को ज्यादा प्रमुखता से लिया जाता है वो डिपेंड करता है। किसी भी आंदोलन में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है। मैंने कभी नहीं कहा है, मेरे पूरे मीडिया इंटरव्यू निकाल लीजिए उस आंदोलन के दौरान, मैंने सिर्फ अपने आप को क्रेडिट नहीं लिखा, कभी नहीं दिया है। कुछ भी लोग कह दे मेरे बारे, मेरे खिलाफ तो लोगों को जो कहना था वो कहते ही रहते हैं, मैंने किसी नेता से पैसा ले लिया, मैंने आतंकवादी वाला मसला, आतंकवादी संगठन वाला मसला थोड़ा और आगे है, हम उस पर भी बताएंगे, अभी यहां तक आते हैं। मेरे खिलाफ बहुत आरोप है, मुझे जितना जो लोगों ने कहा मैंने एकदम चुपचाप सहा। हम इसलिए सह लिए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आंदोलन खराब हो, एकदम नहीं चाहते थे। उस घटना, उस दिन कार्यक्रम जो हुआ उसके बाद हम लोगों ने 28 तारीख को जाहिरगढ़ में बैठक किया, सेक्टर 4 में, उसमें भी कई नाम थे, उसकी भी इंटरव्यूज हैं। जाहिरगढ़ में बैठक में 2 बैठकें हुई, एक जाहिरगढ़ में बैठक हुई, एक बैठक चंदन क्यारी में, विनोद बाबू का एक, मतलब विनोद बाबू का एक ये है, स्टेडियम है, वहां मूर्ति लगी विनोद बाबू, वहां भी एक बैठक थी। हम लोग वहां भी गए और वहां तय हुआ कि एक संगठन बनना चाहिए। संगठन बनता है झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, कई और संगठनों पर विवाद हुआ, फिर ये नाम आया कि ये बनना चाहिए, वो बनता है। और उसके बाद कई लोगों के नाम सिग्नेचर, फिर ये कहा जाता है कि 2 जनवरी है, मतलब 2 जनवरी को हम लोग 3 दिशा से हम लोग पहुंचेंगे, सारी चीजें यहीं से बदलती हैं, 3 दिशा से हम लोग पहुंचेंगे, मतलब एक तो जेना मोड़ से वहां पहुंचेंगे, बालीडीके से चौक पहुंचेंगे, एक चंदन क्यारी से चौक पहुंचेंगे और एक सेक्टर 9 से चौक पहुंचेंगे। ये बातें चीजें हुई, बातचीत, हम लोग सब एग्री किए उसमें। और हम लोग सब एग्री करने के बाद
मेरे दिमाग में था कि कंटिन्यू कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, मतलब 28 के बाद दो में लगभग 5-6 दिन का जो समय बचता उस बीच कुछ करेंगे। तो एक अनाउंसमेंट ये हुआ कि हम लोग 11 तारीख मतलब सॉरी 30 तारीख को 11 विधायकों का, विधायक सांसदों का, धनबाद के जितने विधायक सांसद सबका पुतला दहन करेंगे नया मोड़ चौक में, और वो ऐतिहासिक पुतला दहन था बोकारो के लिए। एक साथ 11 विधायकों का जो क्राउड था वो पूरे उस तरीके का क्राउड नहीं आता है कभी, और वो खबर इंडिया टुडे में चला, वो खबर इंडिया स्पेंड में चला, वो खबर जितने बड़े बड़े नेशनल मीडिया हाउसेस हैं उस तमाम में चला। तस्वीर वही है, 11 विधायकों का पुतला लगा, लोग पीछे खड़े, प्रमोद महतो, अरविंद कुमार, रॉकी, प्रदीप कुशवाहा, नजरुल, गुलाम, सोहराय हांसदा, सजलदा, कितने नाम गिनाऊं, कई नाम थे, सचिन महतो, ऐसे कई नाम थे जो उस पूरे आंदोलन में थे शुरुआती दौर में, एकदम स्टार्ट में। वो खबरें चली, जबरदस्त चली, कैसे चली, फुसरो तरफ से कुणाल आता था, रवि आता था, और कई लोग उधर से आते थे, इस तरह तमाम लोग, सबका नाम शायद लेना संभव नहीं है। खुशबू कुमारी भी आती थी जो अभी पपन्ना पंचायत की या पखन्ना पंचायत की उपमुखिया, वो भी आती थी। हम सब बताएंगे कि हम आंदोलन क्यों छोड़े, आंदोलन में क्यों, सब कुछ बताएंगे, एकदम मूड में है आज की हम सारी बातों, क्योंकि बहुत दिन मौन रहे तो बहुत चीजें गड़बड़ हो गई। हमको लगा था कि मौन रहने से चीजें खराब नहीं और अच्छी होंगी, पर और खराब। तो हम ऐसा है देव महतो, आप बार बार कमेंट में जो चीजों को भटका रहे हैं, जिस सवाल पर हम बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत आप दूसरे ओर ले जा रहे हैं। बेरोजगार पानेश्वर दूसरे दिन पुतला दहन किया था रामगढ़ में निर्मल महतो चौक में, और उसको अगर किसी ने रोका, विधायक जो ममता देवी उनके लोगों ने उसको रोका, उसके साथ मारपीट की, तो पूछ लीजिएगा पानेश्वर से कि मैंने ही ममता देवी को फोन करके कहा कि अगर आंदोलन करने के लिए रोका गया तो बहुत बुरा हो। और तमाम लोग अपने अपनी तैयारियां कर रहे थे आंदोलन को लेकर, 31 तारीख को लेकर, जो पैदल मार्च था उसको लेकर तमाम लोग तैयारियां कर रहे थे। हम लोग 30 तारीख को, 2 जनवरी 2022 वाला जो था कि एक तरफ तीन दिशा से हम लोग पैदल मार्च करते हुए पहुंचेंगे नया मोर्चो, तो उसकी तैयारी हम एकदम आएंगे कि हम बैनर का बात की, तो वो तैयारियां शुरू हुई। तमाम के लोग, दयामय दास सृष्टिधर रजवार, राजेश महतो, सचिन महतो, नजरुल, सोहराय, सब अपने अपने इलाके में तैयारी कर रहे थे। सबके तैयारी का अपना अपना तरीका है। मेरा जो गांव है वो जो नया मोड़ चौक है वहां से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर होगा, एकदम 20-22 किलोमीटर दूर होगा। मेरा गांव वहां से 20-22 किलोमीटर दूर होगा, तो हम लोग सब तैयारी कर रहे थे। तो 30 तारीख का पुतला दहन का मसला आया, फिर उसके बाद वो 2 तारीख का जो रैली था उसको करना था। मीडिया ने इस आंदोलन के ट्रैक को कैसे बदला वो हम दिखाते हैं। मीडिया हमेशा खोजती है कि किसका इंटरव्यू लिया जाए, तो उस दौरान मेरा इंटरव्यू लिया गया, तो लोगों को लगने लगा कि हम हाईजेक कर लिए हैं पूरे आंदोलन को, जबकि ऐसा कुछ नहीं। भाषण के दौरान जब भाषण दिया गया, तमाम लोगों ने भाषण दिया, मेरे भाषण पर बवाल हुआ, तो लोग ला के हम हाईजेक कर लिए। देखिए, हम स्पष्ट तौर पे कहें कि मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है, हमको नहीं लीड करने दिया जाएगा या हमको मना किया जाएगा, हम नहीं है। 2 तारीख को फिर रैलियां आई, तो मेरे तरफ से अभी भी वीडियोज हैं, लोग झूठ में बिना प्रमाण के कुछ भी बोल जाएंगे। हम लोग लगभग 50 लोग, हम, सचिन महतो, नजरुल, सोहराय हांसदा, तमाम लोगों ने मिलाकर लगभग 50-60-100 आसपास के लोगों ने हम लोग वहां से पहुंचे, क्योंकि हम किसी एक कम्युनिटी के तैयारी पर नहीं काम कर रहे थे। चास चंदन क्यारी से ज्यादा लोग आए, 100-150 आसपास, इधर सिवटार और कुंडोरी से लोग जो आए, चास चंदन क्यारी इलाके से ज्यादा आबादी में लोग आ पाए, क्योंकि इस इलाके में बहुत लंबे समय से
नेगेचारी और कुर्मी कम्युनिटी ने बहुत अपने सांस्कृतिक मूल्यों को जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत किया है और वो मूल्य वो जिंदा रख पाए थे, तो वहां से आबादी ज्यादा आई और ये बहुत बेहतर बातचीत थी कि कि वो कम उस कुर्मी समुदाय के लोगों ने महतो समुदाय कुर्मी समुदाय के लिए महतो तो हम भी लिखते हैं कुर्मी समुदाय के लोगों ने बहुत मेहनत किया अपने कल्चरल चीजों को बनाए रखने के लिए, तो वहां आबादी ज्यादा आई, वो पहले से तैयारी कर रहे थे। हम लोग हम रांची रहते थे, गांव रहते नहीं थे। रांची में हम लगभग कई लंबे समय से कई चीजों पर आंदोलन किए और तो आबादी उनकी ज्यादा आई। उसके बाद वो आंदोलन वहां से खत्म होके मेरे घर पर पुलिस ने 2 तारीख के बाद से छापा मारना शुरू कर दिया। मेरे घर पर पुलिस ने झारखंड पुलिस के मेरे पर वारंट था, झारखंड पुलिस ने छापा मारना शुरू कर दिया। रात के लगभग 2 बजे 2:30 बजे जब भी पुलिस को मन किया, मेरे तीन मेरे गांव में रांची में जितने घर हैं जिन जिनके यहां भी रहते हैं मेरे मित्र साथी, मेरा घर जो थड़पकना में करमटोली में, तो तमाम लोगों ने छापा मारना वहां शुरू कर दिया पुलिस ने कंटिन्यू। तो हम जब अपने वकील के पास गए तो वकील साहब ने कहा कि क्योंकि साहेबगंज का मसला है, आप तुम आउट ऑफ स्टेट चले जाओ, नहीं तो अगर तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाती तुमको बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम दिल्ली चले गए, जो लोग बोले ना हम भाग गए, जिस पर केस होता है जिस पर आरोप लग जिस पर केस होता है इसके पास पुलिस पड़ती है ना, उसको समझ में आता है। रघुवर के समय जेल गए हैं, हम कोई नया आंदोलन नहीं किए हैं कि कोई लोग आरोप लगाएगा, हमको जवाब नहीं देना था, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मेरे कई साथियों ने कहा कि अब तुमको बोलना चाहिए, तुम बोलने आए। एक साथी एक मिनट हम जवाब दे देते हैं, आप लोग अपना फायदा के लिए आंदोलन किए, इसका उदाहरण कोई मुखिया को अभी कल जो संगठन बना उससे लोग विधायक मंत्री बनेंगे तो वो उनके फायदे के लिए नहीं होगा। विकास महतो चुनाव लड़े हैं, वो पहले से मुखिया थे या आंदोलन से मुखिया बने, वो जिला परिषद बने हैं इस आंदोलन से, ये जो भी कह रहा है बेफालतू बात है, वो इससे पहले मुखिया थे। मेरी मां की बातचीत है, मेरी मां पहले भी मुखिया थी, तो आंदोलन में सब कुछ हम ये ऑफिस खोले तो इसमें कह रहे हैं कि इस आंदोलन मेरे पिताजी ने मुझे पैसा दिया इस बात को लेकर, जा तुम अपना काम धंधा करो, नया प्लानिंग थोड़े पहले से प्लानिंग था, और जिसके दिमाग में जो है कहे तो हम अपनी बात करते हैं। तो फिर हम उसके बाद आउट ऑफ स्टेट चले गए, उसके बाद जो इस आंदोलन में हुआ वो उसके बाद जो हुआ वो आप तमाम लोगों ने, लेकिन हम दिल्ली रहने के बावजूद भी इस पूरे आंदोलन को कवरेज दिए हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से, और जिनको भी लगता है ना कि हम जयराम महतो के विरोधी हैं, आप उनसे बात करके पूछिएगा कि शुरुआती दौर, हाँ एकदम जब तो शुरुआती दौर में जयराम से मेरी बातचीत कैसी हुआ करती थी, और जयराम को मैंने प्रमोट किया है नहीं किया है, जयराम की तस्वीर मैंने अपने फेसबुक वॉल पे लगाई थी, मेरा फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर जयराम का था। कई जगहों पर विचारधारा का मतभेद हुआ, कई वैचारिक लड़ाइयां हुई, तब वो चीजें थोड़ी खराब हुई, वो आगे बात करें। अरविंद आकाश वीरू इस बात का गवाह है कि मैंने जयराम की तस्वीर अपने फेसबुक वॉल पर लगाई, अपना व्हाट्सएप का प्रोफाइल पिक्चर लगाया, जयराम के बारे में एक आर्टिकल लिखा, और आउट ऑफ स्टेट रहकर भी हम आंदोलन को कवरेज दिए। राहुल मोदक उसका गवाह है, जयराम जिस दिन मानव श्रृंखला में था, मैंने अपने साथी सुनीता मुंडा को सिराज भैया को स्पेशली कहा कि जयराम के बिना इंटरव्यू के मत आइएगा, हम पर जो आरोप है कि हम जयराम विरोधी हैं, और कुछ जयराम के साथ रहने वाले जो लोग हैं वो जिस तरीके से मेरे खिलाफ माहौल बनाए हुए हैं, याद रखिएगा कि कल आपका नेता भी चुनाव लड़ेगा और उस पर भी टिप्पा टिप्पणी होगी, उस पर भी टिक्का टिप्पणी होगी, और बिना किसी प्रूफ के आप कुछ भी साबित नहीं कर पाते हैं, हम पर बहुत आरोप है। दिनेश राज दिखते हैं कुछ नहीं, जयराम महतो से आप लोग क्यों जलेंगे किसी से, जयराम मेरे विधानसभा का नहीं है, जयराम मेरे लोकसभा क्षेत्र का हो सकता है, मेरे विधानसभा का नहीं है, जयराम
का पढ़ाई लिखाई और मेरा पढ़ाई लिखाई में आसमान जमीन का फर्क रहा है। जयराम जिस कॉलेज में पढ़ा है, जिस स्कूल में पढ़ा है, उस कॉलेज स्कूल में हम नहीं पढ़े हैं। कार्य क्षेत्र नहीं, किस बात की जलन रहेगी? मेरा अलग कार्य क्षेत्र, उसका अलग कार्य क्षेत्र है। जयराम के इर्द गिर्द जो लोग हैं, एक नेता जब बन जाता है, जब जयराम की शुरुआत थी तो जयराम अकेला था, आदर्श अरविंद, आकाश वीरू जैसे लोग उसके साथ थे। कहां है वो लोग? हम नहीं है, मान लेते हैं, एक बार ये मान लेते हैं कि हम जल रहे होंगे। आदर्श अरविंद कहां है? आकाश वीरू कहां है? कहां है ये लोग? और कहां है वो पुराने लोग जो जयराम के इर्द गिर्द थे? और हम जयराम पर टिप्पणी करने नहीं, हमको जयराम से कोई मतभेद मनभेद नहीं है, कोई मतभेद मनभेद नहीं है। इस राज्य की लड़ाई जिसको जैसे लड़ना है वो लड़ेंगे, हमको कोई मनभेद मतभेद नहीं है, हम अपने तरीके से लड़ते हैं। मोतीलाल महतो इस आंदोलन में आते हैं, उसके बाद चीजें बदल जाती हैं। हम कई ऐसे सबूत देंगे, चंदा का एक ऐसा कई प्रूफ है मेरे पास, चंदा का ऐसा कई प्रूफ है मेरे पास कि कभी दो दो कार्यक्रम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम मोतीलाल ने अपने इलाके में कराया, एक टुसु था सर ने, टुसु था जब टुसु वाले को जबर टुसु और कुछ था, सोराय था कि हाँ सोराय दो कार्यक्रम जयराम ने कराया, एक एक जबर टुसु, एक सॉरी इसमें ये क्या बोलते हैं जबर टुसु और हम बता रहे हैं, उस सारा डिटेल है मेरे पास। हम कभी ये सब बोलना नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि खराब हो चीजें, लेकिन लोगों ने इतना टॉर्चर किया मुझे, मतलब इतना मानसिक प्रताड़ना दी। मेरा बाल बड़ा तो हमको झोटा वाला लिखते हैं लोग, नाम नहीं लिख पाते हैं, झोटा वाला लिखते हैं। किसी हम नहीं कहना चाहते हैं कि आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसका शारीरिक अंग खराब हो तो उसको क्या उसी नाम से बुलाया जाए। मेरा नाम था, चंद लोगों ने इस पूरे आंदोलन को खराब किया है, चंद लोगों ने, हम बता रहे सब बताएंगे, बहुत हो गया बहुत। एक साथी ने, हम साथी का नाम नहीं बताएंगे, एक साथी ने बताया है मुझे, लिखा है बकायदा कि बगोदर बिसुनगढ़ और बोकारो, बगोदर बिसुनगढ़ नावाडी आसपास के जो साथी विदेशों में रहते हैं, करम महोत्सव डुमरी और टुसु पर महोत्सव नावाडी के नाम पर लाखों रुपए का चंदा प्रवासी मजदूरों की तरफ से आया, प्रवासी मजदूरों की तरफ से। हमको कोई इस बात का प्रूफ दे दे कि हमको किसी ने हिसाब पूरे आंदोलन के दौरान चंदा दिया हो और उस चंदे का हम हिसाब नहीं दिए, ये बात हमको कोई दे दे। यहां बैठे लोग जिस दिन मांगेगा चंदा, धरना कितना चंदा है, कितना इस्तेमाल हुआ, और कभी पब्लिक डेमोन पर हम लोग चंदा नहीं मांगते। पर्सनली जो साथी हैं, मोतीलाल महतो ने दो कार्यक्रम कराए, करम महोत्सव डुमरी और टुसु परम महोत्सव नावाडी, लाखों रुपए का चंदा आया उस कार्यक्रम के नाम पर, झारखंड के नाम पर, भाषा संस्कृति के नाम पर। उस चंदे में उस पूरे कार्यक्रम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका कहीं हिसाब मोतीलाल द्वारा नहीं दिया गया, मेरा आरोप नहीं, एक साथी ने व्हाट्सएप पर बताया, और वो साथी प्रवासी मजदूर है मेरे पास, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने लिख कर मुझे भेजा, और वो तब लिखा जब मैंने लिखा कि आज मैं लाइव आऊंगा तब। बलियापुर वाले कल के आंदोलन, कल के महाधिवेशन के लिए जयराम ने अपना पर्सनल फोन पे नंबर जारी किया था जो सबको स्वीकार था, लेकिन इसके बाद विभिन्न प्रवासी मजदूर ग्रुपों में मोतीलाल के द्वारा जयराम दा के साथ साथ अपना भी फोन नंबर गुप्त रूप से ऐड करके निजी फंडिंग कोशिश की गई सारा प्रवासी मजदूर ग्रुप में, सारा प्रवासी मजदूर वाले ग्रुप में, और अपना फोन पे नंबर खुद डाला, जबकि सोशल मीडिया में ऐसा कुछ नहीं डाला गया। सोशल मीडिया में या तो सिंगल जयराम महतो का रहा, या फिर सिंगल, मतलब फेसबुक में या तो सिंगल जयराम का रहा या फिर सिंगल मोतीलाल का रहा, लेकिन व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जयराम के साथ साथ नीचे मोतीलाल का भी नंबर रहा, जयराम के साथ साथ नीचे मोतीलाल का भी नंबर रहा। अब सवाल यह है कि कल तक तो यह आंदोलनकारी पार्टी, इसलिए सवाल नहीं उठ रहा था, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी है, सवाल तो उठेगा, तमाम राजनीतिक दलों के साथ सवाल।
ये सवाल जयराम पर नहीं है, इस सवाल उसके साथ रहने वाले मोतीलाल पर है। मोतीलाल ने बहुत अच्छे से आंदोलन को इस गलत तरीके, मोतीलाल के साथ हम एक पोस्ट लिखे थे कि जितना चिल्लाकर झूठ बोलोगे लोगों को लगता है कि यही सही बोल गया, यही किया है मोतीलाल ने इस पूरे आंदोलन में, जितना चिल्ला। हमको देखिए, कुछ लोग नफरत कर रहे हो, जलो मत बराबरी करो, जोड़ने का काम करो। मेरे खिलाफ पूरे सोशल मीडिया में अभद्र अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, अभद्र 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 भाषा का इस्तेमाल किया गया है। हम तो वो नहीं कर रहे हैं, हम वो एकदम नहीं कर रहे हैं। भाषा का स्तर इतना गिराया है लोगों ने, उसका कोई हिसाब नहीं है, पर हम वो नहीं कर रहे हैं। और इस राज्य के अंदर राजनीति का स्तर उतना ऊंचा, राजनीति का स्तर जितना ऊंचा होगा आपका, आपका भाषा का स्तर उतना गिरता जाए। पवन महतो लिखते हैं, महतो से पहले जलन हो रहा। हमको किसी जाति समुदाय से कोई जलन नहीं है, वो लोग जानते हैं। पार्वती महतो लड़की थी, उसके मौत वाले मसले पर हम रात में 3 बजे गए थे उसके यहां, रात में 3 बजे गए थे वहां। बुढ़ा खाप में महतो कम्युनिटी के लोग हैं, वहां कंटिन्यू हम आंदोलन किए हैं, कंटिन्यू गए हैं। आज का ही हम आपको, कल 18 तारीख था ना, जो लोग इस बात को सबूत देना पड़ता है दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग इस बात को बोल रहे हैं कि हम कुर्मी विरोधी हैं, महतो विरोधी हैं और जयराम के विरोधी, हम एक सबूत देते हैं, बता देते हैं क्या। 2 साल पहले कल के दिन 18 जून 2021, 2 साल पहले मेरे चैनल का नाम था ग्राम सभा। इसमें नाम आपको दिख रहा होगा, आप नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि वो उल्टा है, कोशिश करते हैं अगर कैमरा पीछे होता है तो हम दिखाते हैं। हाँ, कैमरा पीछे होता है, दिखाते हैं। पढ़िएगा, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन ग्राम सभा, हम ऑनलाइन डिबेट कराते थे, क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन ग्राम सभा, रघुनाथपुर कचरा निस्तारण प्लांट का विरोध, गांव हमारा कूड़ेदान नहीं। कौन है यहाँ? जयराम महतो, राजू महतो, दयामय बानवार, प्रदीप महतो, ओम प्रकाश डुमरिया, रोहित कुमार, तमाम महतो लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं। 18 जून 2021, आंदोलन से बहुत पहले शाम 7:09, जबकि इस पूरे खबर को किसी मीडिया हाउस ने नहीं दिखाया, इस पूरे खबर पर किसी ने कोई बातचीत नहीं की। और जयराम को एक बार नहीं, मैंने कई बार लाइव से जोड़ा है, हम जयराम विरोधी हैं, हमको जो कहा जाता है जयराम विरोधी। देखिए ये मेमोरी में मुझे दिखाया गया, देखिए ये जयराम महतो हम पर, और इस और ये तमाम लोग जो हमको कहते हैं कि हम कुर्मी विरोधी, ये तमाम लोग कुर्मी हैं। अगर हम कहीं भी कुर्मी का विरोध किए हैं, कुर्मी किसी मसले पर, तो वो दिखाया जाए, दिखाया जाए। दारू पी के रात में और फेसबुक में ये लिख देना कि हम कुर्मी विरोधी हैं, सचिन दा आप जिस जमीन वाले मसले की बात कर रहे हैं उस मसले को वहां जाकर आपको समझना चाहिए था। और हमको आज से कुर्मी लोग कुर्मी विरोधी नहीं समझते हैं, ये तो जमीन वाला मसला 10 दिन पहले का है, ये 10 दिन पहले का है जमीन वाला मसला, इससे पहले भी। और मैंने कभी भी किसी जाति समुदाय का विरोध नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया, खासकर झारखंड किसी जाति समुदाय कभी नहीं किया है और ना कभी करूंगा। मैं इस राज्य के अंदर राज्य के लोगों से लड़ने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। कुछ लोग मेरे विरोध में जो लोग हैं उनका व्यक्तिगत मत होगा, उनका अपना एक तरीका होगा, लेकिन हम कभी उनको जयचंद नहीं पुकारते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, अगर उनकी विचारधारा का किसी ने समर्थन नहीं किया तो उसको जयचंद बता दिया। हम कभी भी किसी, सुदीप महतो लिखते हैं कि मानव श्रृंखला के बाद तुमने या तुम्हारे चैनल ने जयराम महतो के इंटरव्यू, मानव श्रृंखला के दिन जयराम महतो के इंटरव्यू मेरे चैनल पे, सुदीप महतो, सुदीप कुमार जो भी हो, मानव श्रृंखला के दिन का इंटरव्यू पूछ लेना। और तुम जयराम से पूछना, जयराम की बातचीत मुझसे पूछना, और जयराम इस बात को बोल दे कि हम उसके विरोधी रहे हैं। तो और हम पार्ट टाइम नहीं है, मेरा आंदोलन पार्ट टाइम नहीं है, और मेरा आंदोलन 2 साल पहले का भी नहीं है,
अगर मुझे मौकापरस्त कहा जा रहा है तो जयराम से पूछिए पहले जिला परिषद की तैयारी कर रहे थे कि नहीं, उनके पोस्टर्स थे बाजार में, और जब आंदोलन हुआ तो 10 जनवरी को वो कूदते हैं। फिर मेरा वारंट हो गया, हम चले गए दिल्ली, और उसको दिल्ली से जब आए तो हम अपना चप्पल त्याग, मुझे लोग कहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से तुम राजधानी पैदल चले। मैंने अपने फेसबुक पर अपने जिम्मेदारी को तय करते हुए लिखा कि अगर भाषा सरकार बोकारो धनबाद से 10 दिन के अंदर नहीं हटाती है तो हम पैदल रांची जाएंगे। हम वो अपनी बात किए थे, संगठन की बात नहीं, मेरा वो निजी फैसला था, वो मेरा निजी फैसला था, हम अकेले निकलेंगे। बेल के बाद मेरा बाराडी में प्रोग्राम हुआ, हम चप्पल त्यागेंगे, वो मेरा निजी प्रोग्राम था। हम सबका जवाब दे रहे हैं बैचलर पुनिया जी, सबका जवाब देंगे, एकदम देंगे हम, मेरा निजी कार्यक्रम था। फिर जब उस कार्यक्रम को लोगों को लगा कि बड़ी बात है तो तमाम लोग जुड़ते गए हमको, कि हम किसी को लिख के भी नहीं दिए, हम किसी को लिख के नहीं दिए, ना तो एसपी को ना किसी थाना प्रभारी को कि हम लोग पैदल जा रहे, हम अकेले ये फैसला लिए थे हम जाएंगे पैदल। और जब तक मिलबो ना तब तक हिलबो ना, जिसकी बातचीत आप लोग करते हैं ना, वो नारा मेरा नहीं, वो करण का नारा था, ये नारा करण ने दिया था। हाँ, आंदोलन जो लोग कहते हैं ना कि हम बिक कर वहां से निकले हैं राजभवन से, लोबिन हेम्ब्रम, लंबोदर महतो, मथुरा महतो, विनोद सिंह, ये चार पक्ष और विपक्ष के विधायक आए थे हमसे बात करने के लिए, उस आंदोलन में बैठे तमाम लोगों से बात करने के लिए, और उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। और लोबिन हेम्ब्रम ने रोते रोते इस बात को कहा कि इस आंदोलन को हम लोग सलाम करते हैं, बिना किसी सूचना के राजभवन तक आकर बैठ गए 15 दिनों तक। और राजभवन में कितना कष्ट हुआ ये उन लोगों को पता है जो लोग वहां बैठे थे। किसी पर घर बैठे फेसबुक पर कमेंट कर देना बहुत आसान होता है। ऐसे तमाम लोगों की हम बात कर सकते हैं जो इस आंदोलन में आए भी नहीं और फेसबुक में कमेंट करके ज्ञान दे रहे थे। कई साहित्यिक चेहरे थे इस आंदोलन में, वर्तमान जो आंदोलन चल रहा है इस राज्य के अंदर उसमें एक भी साहित्यिक चेहरा नहीं है। कल की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सवाल कहां गया वो व्यक्ति, वेद प्रकाश बैचलर पुनियार लिखते हैं कि इस मामले में वेद, हम इस पे बात करेंगे, हम पहले आंदोलन पे बात कर रहे थे। हम लोग यहां जो गए, हम लोग को बकायदा लॉबी ने, ये मथुरा महतो हम लोग को लेके गए हैं मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए, मुख्यमंत्री सचिवालय। मुख्यमंत्री से मिलाने ले गए हम लोगों को, वहां पे मुख्यमंत्री ने मिला नहीं, मुख्यमंत्री द्वारा पता नहीं किस कारण से मुलाकात नहीं। ऐसा है ना सुदीप, निराधार आरोप तुम आराम से लगा लो, ठीक है, तुम मेरा सम्मान किए नहीं किए, तुम मेरे से मुलाकात करते और तुम ये बात मुझसे पूछते और तुम फिर कहते कि तुमसे इसलिए नफरत कर रहे हैं तो समझ में आता, ठीक है। तुमने झूठ जो फैलाया है ना, हमको सब पता है कि तुमने किस तरीके से लोगों को झूठ झूठा कहा है मेरे बारे में, ये भी पता है। और तुम लोगों की जो तुम कुछ जो ट्रॉल आर्मी है ना, उनकी एक बहुत अच्छी आदत है कि कुछ भी झूठ परोस दो, अप्रूव करने से कुछ नहीं मिलेगा तुमको, कुछ भी प्रूफ नहीं। जो लोग मुझे कहते हैं मैं कुर्मी विरोधी हूं, प्रूफ करके बताएं कि कैसे मैं कुर्मी विरोधी हूं। सुदीप तुम खुद बताओ, तुम ही ना कहते हो कि हम कुर्मी विरोधी हैं। और क्यों हम किसी को, ये हम तय करेंगे, मेरा चैनल तय करेगा किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। और तुम जो लिख रहे हो ना कि 21 मार्च 2022 के विधानसभा घेराव का विरोध, हम कहीं विरोध नहीं किए 21 मार्च के विधानसभा घेराव का, तुम दिखा दो, तुम निकालो वीडियो, मेरे वीडियो में क्या लिखा है ये भी तुम पढ़ लो।
आ रहे हैं। सुदीप तुम ये बताओ, दिखाओ, तुम ये दिखाओ कि मैंने तुम्हारे 21/3 2022 के विधानसभा घेराव का विरोध किया होगा। तो मैंने कहा आदर्श अरविंद की गिरफ्तारी हुई है और वो गिरफ्तारी एकदम इलीगल है, क्योंकि आदर्श अरविंद JBKSS का नहीं, JBSS का सदस्य है। मैंने ये बात कही है, मैंने कहीं नहीं कहा कि विरोध है। तुम जैसे लोगों ने जयराम के इर्द गिर्द बैठकर जयराम के कान को भरा है और जयराम के विवेक को मारा है। तुम जैसे चंद लोगों ने जयराम के इर्द गिर्द बैठकर, हम जयराम अगर सुन रहा होगा इस लाइव को तो हम तुमको कह देते हैं भाई सुन लो, तुम्हारे अंदर भले ही बहुत क्षमता है, तुम बहुत बेहतर करने की कल्पना रखते हो, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हैं उसमें तुम्हारे विवेक को मार दिया है और वो लोग नहीं चाहते हैं तुम्हारे आसपास कोई आए जो तुमको समझाए। कभी सोचना इस बात को कि तुमको तुम्हारे लोगों से दूर कर दिया। तुम मुझसे बात किया करते थे ना आंदोलन, तुम्हारे JBKSS बनने से पहले, जब पहली शुरुआत मानव श्रृंखला से पहले तक, मानव श्रृंखला के बाद तक तुम्हारी मेरी बातचीत हुई थी ना। तुम्हारी मेरी बातचीत होती थी ना, तुम्हारे इर्द गिर्द बैठे लोगों ने तुम्हारे विवेक को मारा। हाँ सुदीप लिखते हैं 12/6/2022 को कॉल किया था, पर तुमने सिर्फ भी नहीं, सिर्फ नहीं होता है, रिसीव भी नहीं। ठीक है, ठीक है, हम जिस परिस्थिति में काम करते हैं, हम जब रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, किसी रिपोर्ट पर काम करते हैं, तो हम कभी किसी का फोन नहीं उठाते। तुम्हारा फोन एक बार नहीं उठा तो तुम नफरत करने लगे हमसे। हाँ तो ऐसा है कि ओम प्रकाश महतो सुनो, महेंद्र सिंह धोनी का विरोध आजीवन रहेगा। ठीक है, तुम लोगों के टाइप नहीं है कि खतियानी के नाम पर रोड में काम करने वाले ठेला छोला वाला को गाली दोगे और महेंद्र सिंह क्योंकि सेलिब्रिटी है तो उसका पैर जाके पकड़ोगे, ये नहीं होता, ये हम नहीं करते हैं। मेरे लिए खतियानी जो है वो झारखंडी है और उसका आजीवन विरोध होगा, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे वो नहीं। हाँ पहले आंदोलन पर आते हैं, उसके बाद जब हम लोग यहां से निकले आंदोलन छूटा और जब दो दो संगठने बनी तो फिर भी संतोष महतो 60-40 का न्यूज दिखा कि नहीं दिखा, जाके देख लीजिए बंदी कवर हुआ कि देख लीजिए, देवेंद्र महतो का इंटरव्यू है कि नहीं देख लीजिए, पहले देखिए जाकर फिर बहस करिए। हाँ तो उसके बाद कई जगह पर कार्यक्रम हुए, उसके बाद बात हुआ कि सबको एक साथ आना चाहिए, एक साथ के नाम पर एक बैठक हुई तोपचाची में वाटर बोर्ड में। ये मिथिलेश हैं, इस आंदोलन के शुरुआती दौर के हिस्सेदार रहे हैं, मिथिलेश महतो हैं, बड़ा सवाल है कि मिथिलेश महतो हैं और हम कुर्मी विरोधी हैं जो आरोप मुझ पर लगता है। तो ये है, पूछिए, ये उस आंदोलन में थे। तोपचाची में मीटिंग हुआ हम दोनों संगठनों, JBSS JBKSS की बातचीत को लेकर कि हम लोग सब एक साथ चलेंगे। चंदन कुमार जाकर देखो पहले चैनल फिर हवा में बात करो, जो लोग चैनल देखे नहीं वही बात कर रहे हैं कि आप आंदोलन 40 को क्यों नहीं जगह दे रहे हैं। तो चाची में मीटिंग हुआ, तमाम लोग थे और उस मीटिंग में विवाद वाद के बाद, झगड़ा झंझट के बाद यह तय हुआ कि दोनों संगठन एक साथ काम करेगा, एक समन्वय समिति के साथ। को हम कोई आह्वान नहीं किए थे विधानसभा घेराव का, तुमको कंफ्यूजन है, मैंने कभी विधानसभा घेराव के का आह्वान ही नहीं किया है, कभी नहीं किया है। सुदीप कुछ भी मत बोल दो, मैंने 14 मार्च को कोई आह्वान नहीं किया है। लोग कुछ लोग हैं यहाँ जो कमेंट करके चीजों को भटका रहे। हाँ तो वाटर बोर्ड मीटिंग में जहां तय हुई कि एक समन्वय समिति बनेगी, महेश दुबे उसमें हिस्सेदार थे, ये हिस्सेदार थे और कई लोग थे, तो उसमें यह तय हुआ कि एक समन्वय समिति बनेगी, दोनों संगठन काम करेगा।
दोनों संगठन साथ में काम करेगा और एक समन्वय समिति बनेगी, एक नंबर जारी होगा, नंबर से तय होगा किसको कहां जाना। लेकिन जेबी केसेस के लोगों ने उस मीटिंग को दरकिनार करते हुए जिस जिस जगह पर कार्यक्रम करना था, जेबी केस मेरे पास ऑडियो है, हम नहीं बोले, मेरे पास ऑडियो है, ये बात कही गई कि अगर जेबीएसएस के लोग आएंगे तो जयराम महतो वहां नहीं जाएंगे, ये कहा गया। और ये मोती का आवाज है, मोती का वॉइस था जिसमें मोती ने ये बात कही कि अगर जेबीएसएस के लोग जाएंगे, सॉरी जेबीएसएस के लोग आएंगे तो जयराम महतो वहां नहीं जाएंगे, एक कार्यक्रम के दौरान ये बातचीत मोती का वॉइस है उसमें। हाँ एकदम सुदीप, तुम हमको फोन करना, हम तुमसे फोन में बात करेंगे और जितनी गलत फहमियां हैं तुम सवाल करना और तरीके से हम जवाब दें, एकदम करना भाई। ये ऑडियो था बाजार में जो मोती ने किया था। अब मोती और मोती जैसे कई ऐसे लोग हैं जो जयराम के इर्द गिर्द आए और उन्होंने जयराम को हाईजेक किया और जयराम के दिमाग में तमाम लोगों के प्रति नफरत। ये इसको देख रहे हैं मिथिलेश, युवा साथी संगठन था जिसमें जयराम प्रवक्ता था, प्रवक्ता था, ये आज नहीं है वहां। ऑडियो था, वीडियो नहीं था, ऑडियो तो ऑडियो वायरल है बाजार में, बहुत पुरानी घटना है, इसी 17 अप्रैल आसपास 2022 की घटना थी जिसमें जिसमें मोती ने ये कहा कि नहीं जाना चाहिए। हम कई ऑडियोज नहीं वायरल की, मेरे पास कई ऐसे ऑडियोज हैं जिसमें दो कई लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे। तो वाटर बोर्ड में मीटिंग हुई, मेरे नाम पे हमको जयचंद बनाया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, सच बोले हैं, सच बोल रहे हैं, सच बोलेंगे। जयचंद कौन है ना वो दुनिया जानती है, वो अपने जमीर से पूछेगी जयचंद कौन है। रिजवान जो अक्सर हैं वो बहुत लंबे समय बाद आए हैं और रिजवान दा के साथ जो हुआ, रिजवान दा तो जेबी केसेस में ही थे, उनको भी कल नहीं बुलाया गया, तो वो समझे, वो उनके साथ गलत हुआ, वो उस बात को समझे। वाटर बोर्ड में तय हुआ कि हम तमाम लोग एक साथ आएंगे, एक मंच पर आएंगे, लेकिन उस बात को नहीं माना गया। जयराम मान गए थे, जयराम ने सहमति दर्ज की, ठीक है हम लोग सब चाच चाहेंगे, ठीक हो सचिन दा मिलिए, कोई दिक्कत ना हो, फोनों करिए, ऑफिसों ही हैं। उनके समर्थकों ने इस बात का विरोध किया, उनके साथ जो लोग थे ना, उनके साथ इर्द गिर्द जयराम के साथ इर्द गिर्द जो लोग थे, उन लोगों ने सिरे से इस बात को खारिज किया और जयराम ने अंतिम में ये बात कही कि मेरे लोग नहीं मान रहे, हम क्या करेंगे, हम जो भी हैं इनके बदौलत। जयराम ने इस बात को कहा, जयराम ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पे कहा। बगदाह में एक प्रोग्राम था उसी दौरान, आंदोलन के दौरान बगदाह में, धनबाद में पड़ता है ना बगदाह, एक प्रोग्राम था, उस मंच पर हम थे, विकास महतो थे, रिजवान अंसारी थे, बुकारो से और साथी थे, गौतम दा थे। गौतम दा को उस मंच पर पियक्कड़ कह दिया गया, जो लोग गौतम दा को जानते हैं वो बताएं कि क्या गौतम दा नशा करते हैं। क्या गौतम दा नशा करते हैं? गौतम दा को उस मंच से पियक्कड़ कह दिया गया। जिस व्यक्ति ने इस राज्य के इतिहास को पिरोया है संगीत के माध्यम से, जिसके गाने गाते हैं झारखंड माटी धूरा मुड़े माखे के जुकूर, उस व्यक्ति को भरे मंच पर एक व्यक्ति ने अपशब्द कह दिया। अब सोचिए कि कितनी बड़ी बात थी बगदाह में, और ऐसे कई बार हुआ है इस पूरे आंदोलन में। देखिए भैया, मेरा व्यू का कोई लड़ाई नहीं है, व्यू और रीच के लिए मेरा चैनल कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता। हम स्टोरी पर मेरे चैनल के कंटेंट को निकालिए और बाकी चैनल कंटेंट को निकालिए, आपको समझ में आ जाए, हम व्यू रीच के लिए नहीं मरते हैं। एकदम व्यूरेज के लिए नहीं मिलते हैं।
और उस लड़ाई जब वो बहस हुआ, जो बहस हुआ बगदाहा में, जिस तरीके से कहा गया कि पेंकर लोग चले चढ़ जाते हैं मंच पर और पीछे कौन, पीछे हम लोग बैठे हैं, पीछे कौन गुंडा लोग बैठा है, गुंडा है क्या है नहीं जानते हैं, और यहाँ पेंकर लोग मंच पे चढ़ गए हैं और मंच पर ही कहा गया कि ये तमाम लोग मिलकर जयराम को खत्म करना चाहते हैं, जबकि हमारा ऐसा कोई प्लान, हम लोग साथ मंच पर थे। फिर वहां से विवाद शुरू होता है, जयराम के दिमाग में जाला जाता है कि तीरथनाथ विकास और तमाम जो लोग हैं झारखंड युवा संघर्ष समिति के लोग, ये लोग तमाम लोग उसके विरोधी हैं, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और उसके साथ रहने वाले लोगों ने ये क्यों किया क्यों नहीं किया पता नहीं, लेकिन हम ये बात कह देते हैं कि अब भी समय है, अगर जयराम ने अपने लोगों से इस मसले पर विचार विमर्श नहीं किया, जयराम ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो उनके लोग उसको बर्बाद कर देंगे। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण था, उसने क्या किया इस देश के अंदर, कैसे उसका फैन फॉलोइंग तो क्या डाउनफॉल में चला गया वो, उसके बाद हमको जो लोग कहते हैं कि हम अलग हो गए, हम इसलिए अलग हो गए इस पूरे आंदोलन से, खुद को आंदोलन से अलग ना, आंदोलन के तरीके से हम अलग हुए। इस पत्रकारिता में भी हम आंदोलन कर रहे हैं, हम अपने लोगों को रख रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मुद्दों को प्रखरता से उठा रहे हैं, सरकार का नकेल कस रहे हैं, सरकार से सवाल राज्य की मीडिया अगर पूछती है तो आप बता दीजिए। मैंने जो लोग आईपीआरडी मसले पर मौन रहे, जयराम से क्यों नहीं पूछा गया कि जिस यूट्यूब वालों ने, जिन यूट्यूब वालों ने जयराम के वजूद को बनाया, जब उन पर सवाल उठा, राज्य की सरकार ने कह दिया कि यूट्यूब पर काम करने वाले लोग फर्जी हैं, तो जयराम महतो ने क्यों सवाल नहीं किया? और हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जयराम महतो अब आंदोलनकारी नहीं नेता हो चुके हैं कल के बाद। तो ये सवाल तो उनसे पूछा जाएगा ना, जयराम से हम मिलने की, ये चंदन कुमार लिखते हैं कि आप जयराम महतो से मिलकर ये सब बात क्यों नहीं की? हम जयराम से कई बार मिलने की कोशिश किए, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, जितना हेमंत सोरेन तक पहुंचना मुश्किल है उससे ज्यादा पहुंचना मुश्किल, नंबर पर बात करना मुश्किल है, कई कोशिश की, हम सबूत भेज देंगे भाई, मैंने कई बार कोशिश की कि जयराम से बात की जाए इस मसले पे कि तुम्हारे इर्द गिर्द लोग हैं वो तुमको बर्बाद कर रहे हैं, मैंने कई बार कोशिश की, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, हम कोशिश नहीं किए, जितना कोशिश की उसमें असफल रहे तो उसके बाद नहीं किए। उस मसले पर जयराम ने एक शब्द नहीं कहा, हम थे जो हथकड़ी पहनकर सरकार का प्रतिकार किए, सरकार के खिलाफ उद्घोष किए और आज लोग आजादी से बोल पा रहे हैं। आप बाकी जो सवाल हैं उन सवालों को तर्कों से हम बदतमीजी नहीं चाहते हैं और ना हम बदतमीजी करते हैं। हम ना तो जवाब दें, ना हम बदतमीजी करना चाहते हैं और ना हम बदतमीजी की बात करते हैं, हम तरीके से बात करते हैं। पूरे आंदोलन को किस तरीके से डाइवर्ट किया गया, एक विकास महतो पर आरोप है कि जिला परिषद का चुनाव लड़ लिए, अब तो लोग मुख्यमंत्री और मंत्री बनने की बात कर रहे हैं, वो आरोप नहीं है। विकास महतो जिला परिषद का चुनाव लड़ लिए, विकास महतो के साथ लोग चुनाव लड़ लिए, विकास महतो चुनाव लड़ लिए, मेरी मां जो पहले से मुखिया थे, विकास महतो पहले से मुखिया थे, वो चुनाव लड़ लिए, अजीत महतो चुनाव लड़ा, मनोहर महतो चुनाव लड़ा, मनोहर महतो जीता, इसी आंदोलन के दौरान तो उषा महतो चुनाव लड़ी, जिस उषा महतो के साथ जयराम की तस्वीरें दिखती हैं मंच पर भी, इसी आंदोलन के दौरान वो चुनाव लड़ी और जीती हैं, पहले से तो जिला परिषद थी नहीं वो, उस पर काहे नहीं आरोप है? हाँ, जयराम को बॉडीगार्ड अपने आप को विधायक समझते हैं, जबकि बॉडीगार्ड काम सुरक्षा देना होता है, नेता समझ मेरे, हम खुद नहीं कह रहे, हम मेरे पास कई ऐसे गवाह हैं और कई ऐसे सबूत हैं कि मैंने कोशिश की कि हम जयराम से बात करें,
लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोगों ने ऐसा माहौल बनाया जैसे हम पाकिस्तान से आए आतंकवादी, जयराम की हत्या करा देंगे या जयराम के साथ कुछ गलत कर देंगे। ये माहौल बनाया गया। तोर बारे में लिखा लग जाए, आपके पीछे जो लड़का मजा ले रहा है वही लड़का बरगलाया है। कौन है उसका नाम और नंबर दीजिए मेरा। योगेश कुमार। आप मेरे नंबर को नोट करके कॉल कीजिएगा, ठीक है? मैं आपके नंबर बता देता हूँ। ना मैं तो छोड़ी ना, मतलब मजा लीजिए ना आप इस बात में, गुस्सा क्या करना है, मजा लीजिए। विकास महतो और जयराम महतो की एंट्री साथ में हुई है एक बैठक में, दोनों थे एक बैठक में, विकास दया जयराम अध्यक्ष था और मतलब दोनों के अध्यक्ष एक सचिव थे, दोनों एक ही मीटिंग में आए थे। जिस मीटिंग में जयराम थे उस मीटिंग में विकास भैया भी थे और विकास के सर अध्यक्ष बने थे कि जयराम अध्यक्ष बना था, लेकिन दोनों पदाधिकारी तो दोनों साथ ही आए थे। कार्तिक महतो लिखते हैं, मेरा पीछे गमछा खींचकर उसका बॉडीगार्ड बैठा दिया। बॉडीगार्ड लो है, कर रहा है दादा मोतीलाल। खत्म हो गया पूरी कहानी, जो लगभग कहानी थी इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए कैसे झारखंड के ही रहने वाले लोगों ने किया है, और पूरा झारखंड ने उसके साथ रहने वाले लोगों ने किया है। प्रदीप चक्रवर्ती लिखते हैं कि दादा जयराम से बात करने नहीं देता है, हम सब भी साथ आपके और बोकारो से स्टार्ट हो, एकदम नहीं होने देता। तो ये आंदोलन ऐसे, हम इसलिए इस आंदोलन के नए तरीके नए अलग तरीके से गए इस आंदोलन में, ताकि हम इस तरह, क्योंकि वहां पे एक तो बहुत एक तो अजीब तरीके का आंदोलन चल रहा था जो मेरी विचारधारा से मैच नहीं करता है। सिर्फ समुदाय का मसला नहीं है, मसला है तरीके का। मंच पर जो भी माइक पकड़े वो सिर्फ और सिर्फ उल्टी पुल्टी बातें ही कर रहा था, और सबको मुख्यमंत्री बनना, मंत्री बनाना, विधायक बनाना था। किसी ने क्या हुआ, भाषा वापस नहीं हुई, खतियान नहीं लागू हुआ, 740 नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तमाम लोग ये चाहने लगे कि सरकार बना लेंगे हम 24 में, एकदम 24 में सरकार बननी चाहिए। लेकिन कुछ तो रिजल्ट दिखाते, हम अपना रिजल्ट व्यक्तिगत बताते हैं, हम पत्रकारिता से अपना रिजल्ट बताते हैं। गोंदलपुरा में पत्रकारिता किए, ग्राम गोंदलपुरा में कंटिन्यू रिपोर्टिंग किए, 5 ग्राम सभा डाने का रुकवाए, किसी मीडिया हाउस ने वो खबर नहीं की, हम कंटिन्यू खबर किए, लगातार विरोध के बाद डर और खौफ के बीच रिपोर्टिंग की। रूपा तिर्की वाले मसले में मामला सीबीआई को गया, हम कंटिन्यू रिपोर्ट किए, और ऐसे कई मसले हैं जिसमें हम जब रिपोर्ट करना शुरू किए हैं तो इतना प्रखर होकर किए हैं कि उस मसले पर कुछ ना कुछ समाधान हुआ है। उसके बाद यह आंदोलन बढ़ा, फिर बात जब जेबीएसएस की आई तो यह हुआ कि एक अध्यक्ष होना चाहिए, तो फिर निवादा को अध्यक्ष बना गया, क्योंकि निवादा ना तो कोई नशा करते हैं ना किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई अवैध आरोप है, और शांत स्वभाव का आदमी है, सबको साथ लेकर चलने वाला आदमी, इसलिए उनको बनाएगा। वो जिस मीटिंग में बनाएगा उस मीटिंग में हम थे भी नहीं, ऊपर हमको आरोप है कि हम बनवा दिए, वोटिंग से बने थे वो। चंदन एकदम स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि आपसी विवाद नहीं है, आपसी विवाद को बढ़ाया गया है और आसपास रहने वाले लोगों ने बढ़वाया है। नहीं तो पिछले 2 सालों में जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था, इस राज्य का इतिहास हो जाता कि 1 साल में सारा लड़ाई लड़ लिया बच्चा लोग, लेकिन इतना इस तरीके से आंदोलन को डाइवर्ट किया गया, कुछ भी नहीं मिला। मिहिर कटियारदा की जो बात कर रहे हैं, स्वर्गीय मिहिर कटियारदा की, वो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की जो पहली बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष, हाँ, संस्था के नाम पर मोहर उन्होंने लगाई थी, ये बढ़िया संस्था है, नाम से होना चाहिए। हाँ, और उनके कुछ दिन बाद उनका देहांत हो गया,
इसलिए हम लोग नाम कोई परिवर्तन नहीं किया उसका। और ये बात हुई कि ये नाम नहीं बदलेगा क्योंकि दादा नहीं है हमारे पास, तो मुझे संस्था बनी है। और आपको स्पष्ट तौर पे बता देते हैं कि अगर तमाम साथी एक साथ लड़ते, मुख्यमंत्री मंत्री बनने का सपना नहीं होता, सरकार बनाने का काल्पनिक सपना नहीं होता, पार्टी नेता मंत्री बनने का सपना नहीं होता, तो शायद आज ये राज्य कहीं और होता। ये राज्य कहीं और होता, लेकिन यहां सबको मंत्री मुख्यमंत्री विधायक बनना था। और हर बार बोलते हैं, जयराम को भी इस लाइव के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि क्राउड आपको एक दिन भगवान बना देगी और यही क्राउड आपको जमीन पर ले आएगी। इसका उदाहरण हम बता देते हैं, कई नाम है इसके उदाहरण में कि भीड़ किस तरीके से आपको ऊंचा कर देगी और फिर कैसे आपको गिरा देगी। डिवाइडर रूल में हम नहीं पढ़े, मुझ पर टिप्पणियां हुई हैं, जयराम पंचायत चुनाव में 10,000 लेकर चुनाव प्रचार करता था, कई सबूत हैं। इस राज्य के सबसे कुख्यात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्टिंग की है मैंने और वो आज जेल में बंद है। इसने इस राज्य को बर्बाद किया अवैध खनन के माध्यम से। मेरे रिपोर्टिंग पर हम बिक जाते हैं, उस समय बिक जाते, बिकना होता तो। ये मेरे बाबूजी के पैसे से लगा है, मेरे बाबूजी ने मेरे सपने को पूरा करवाया है ये लगाकर। जिनको लगता है ना कि ऑफिस किसी और के पैसे से बना है, वो पता कर ले। दाऊ यादव जैसे व्यक्ति फरा, जाक पता कीजिए साहेबगंज में, दाऊ यादव के खिलाफ बोलने वाले लोग नहीं थे। आज व्यक्ति पानी नहीं मांग रहा, फरार चल रहा है और उसके बाद भी कंटिन्यू रिपोर्टिंग कर रहे हैं। धमकी भरे मैसेजेस, फोन कॉल है, रोए नहीं है कभी कि हमको धमकियां आ रही है, चिल्लाए नहीं कभी कि हमको जान से मारने की धमकियां आ रही है। आज भी मेरे ऑफिस के फाइल में कई मानहानि के केसेस, कई मानहानि का चिट्ठी पड़ा हुआ है। पंकज मिश्रा ने एक्सोशन और मानहानि का केस किया, पड़ा हुआ है फायर, पर रोए नहीं, चिल्लाए नहीं कभी। लोगों ने कान भरा है, लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया है लोगों को। एक जन लिखते हैं, थोड़ा दादा इंतजार करिए, खाली टिकटवा नहीं मिले दी सब के, एक दूसरे के पोल खोलते ही सब। और आपको भीड़ बड़े दिख रहा होगा। सूर्या माता लिखते हैं, सियाजोरी पंचायत में मुखिया का प्रचार किया, पेट्रोल भरने के लिए 10,000 लिया, मेरे पास सबूत। ये सब फिलहाल हम लोग हम रोंगटा वाला जो 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 लिख रहे हैं ना, धर्मेंद्र महतो, रोंगटा कंपनी का समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? रोंगटा कंपनी में कंटिन्यू रिपोर्टर चालू, रिपोर्टिंग चालू, और उसका भी हल होगा, सब में समय लगा है। सब में समय लगा है। संगठन आंदोलन के दौरान 74 टुकड़ा हो गया, सारे पुराने लोग छितर गए, फिर भी आपको हमको नहीं समझ में आया कि कैसे लोगों ने प्लांट किया है। इस राज्य के विपक्षी नेताओं ने, इस राज्य के पक्षीय नेताओं ने, इस राज्य के अधिकारियों ने कैसे प्लांट किया सबके आसपास। कितने रूप में बटा वो बता दीजिए, बैनर सारा चीज। अगर चाहते तो ये नहीं होता अलग, सूर्य सिंह मिश्रा अलग, अमित महतो अलग, रिजवान अलग, ये सारी क्या है, ये एक तक तो बच्चे नहीं है। हाँ भाई, कह रहे आप, हम ये सपना देख रहे हैं कि सब कुछ एकजुट हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बिखर रहा है। हाँ अभिषेक दा, बनाए वो दाढ़ी जल्दी।
एक साथ लिखते हैं जयराम मातोस दिक्कत, एक मातोस दिक्कत। ना तो जयराम से दिक्कत है, ना किसी कम्युनिटी से दिक्कत है, दिक्कत उस विचारधारा से जो विचारधारा राइज को बर्बाद कर। हम जब महेंद्र सिंह धोनी का विरोध करते हैं, उसकी नीतियों का विरोध करते हैं, तो कुछ लोग मेरा विरोध करते हैं। गैर खतियानी के खिलाफ हम होते हैं तो ये लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने इस राइज को क्या दिया? इस राइज को बिरसा के नाम से भी जाना जाता था विदेशों में, इस राइज को जयपाल सिंह मुंडा के नाम से जाना था विदेशों में, इस राइज को यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए विदेशों में जाना जाता था, इस राइज को विनोद बाबू के नाम से विदेश में जाना जाता था। आपको पता है कि विनोद बाबू एकमात्र ऐसे सांसद थे जिनका डेड बॉडी हेलीकॉप्टर से आया था रांची उनके गांव, पता है आपको? जानकारी इकट्ठा करिए। अभिषेक भारती लिखते हैं जेएमएम खड़ा कर दिया जयराम को, वो अपना काम कर रहा हूं। नहीं तो अभिषेक भैया कमेंट पे लिखे हैं। पैसा नहीं इस काम के लिए मिला काम। आप बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि धोनी की वजह से देश को झारखंड को जाना जाने लगा, धोनी की वजह से देश को नहीं जाना जा रहा, राज्य को नहीं जाना जा रहा है। धोनी की वजह से इस राज्य को नुकसान हो, ये राज्य हॉकी और फुटबॉल के लिए जाना जाता था, धोनी ने उसको खत्म कर दिया, धोनी ने उसको खत्म कर दिया। एक क्रिकेट विकेट भी धोनी यहां दे नहीं पाए। स्ट्रॉबेरी लगाते हैं उसको बेचते हैं और भी मार्केट से महंगा रेट में लगाते हैं, क्या बोलते हैं, दूध निकालते हैं उसको बेचते हैं मार्केट से महंगा रेट में। हमको लोग, हम धोनी विरोध करेंगे, लोग मेरा विरोध करेगा बारे भाई। हाँ तो आंदोलन जो है वो इस तरीके से बर्बाद हुआ, आप चीजों को समझिए। हाँ उसके बाद कई लोगों ने संगठन अलग अलग बनाया, कई लोगों ने संगठन अलग अलग बना लिया। हम जो तमाम लोग जेबीएसएस में थे, हम लोग संगठन से अलग हुए, आंदोलन के तरीके से अलग हुए, लेकिन नया संगठन नहीं बनाए। जेबीएसएस में भले एक्टिव नहीं रहे लेकिन नया संगठन नहीं बनाए, ना किसी संगठन को विरोध किए और ना किसी संगठन का विरोध किए। हम लोग भी चाहते तो 100 लोग को जमा कर लेते, एक नया संगठन बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाए, एकदम नहीं बनाए। नहीं वो सिर्फ अलग से दूसरा और एक नया संगठन नहीं बना पाते। रुकिए ना, हमको अलग संगठन बनाना होता तो हम अलग संगठन बना लेते। हम इसलिए सैड, हम बहुत दिन बाद आज बोल रहे हैं। और हम फिर से कह रहे हैं, हम किसी जाति के विरोध में नहीं है भाई। हमको लोग कहता है कि तुम एसटी वाले मसले पर विरोध, कुर्मी के एसटी वाले मसले पर विरोध कियो, हम एक भी प्रूफ दिला दीजिए ना, हम क्यों करेंगे? ना हम उस कम्युनिटी से आते हैं और ना हम उस कम्युनिटी के विरोध में है, ना समर्थन में है, ना किसी चीज में। कवर करना था जो पत्रकार, हम कवर किए, कितने वीडियो फुटेज निकाल देंगे। शीतल अवतार से पूछिए मैंने कवर किया है। कुछ लोग बोल दिया आप मान लिए। मोतीलाल पर आते हैं, मेरे पास प्रूफ, लोगों ने प्रूफ भेजा है। मोतीलाल का फेसबुक निकालिए, उसने जयराम के साथ अपना नाम नहीं जोड़ा है चंदा को लेकर। मोतीलाल ने चंदा को लेकर अपना अकाउंट नंबर डाला है व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, जयराम के साथ अपना नाम भी डाला है। कहां गया वो पैसे का हिसाब? लोग नहीं मांगे, मांगे अलग बात है, लेकिन लोगों के इमोशन के नाम पर पैसा मत कमाइए, लोगों की भावनाओं को बेचिए मत। और मोतीलाल ने मंच पर झूठ कहा। मोतीलाल मंच पर महाभारत की शायरियां पढ़ते हैं, मोतीलाल मंच पर चढ़कर शायरियां पढ़ते हैं। किसकी शायरियां पढ़ते हैं? रामायण महाभारत की। झारखंड की संस्कृति में रामायण महाभारत का क्या वजूद है? झारखंड की संस्कृति की बात कर रहा हूं, किसी धर्म विशेष के विरोध में नहीं।
ए भाई झारखंड बंदी का कवरेज है कि नहीं देख लो, मां करें चंदन कुमार कौन है, गुजुर 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 आधा जानकारी सा जाके देखो चैनल में भाई। झारखंड के कल्चर की लड़ाई में रामायण महाभारत की कविताएं पढ़ी जा रही हैं। विनोद बाबू पढ़ते थे, एके राय पढ़ते थे। मंच पर चढ़कर कहा जाता है कि चाहे राजा कौन हो क्या फर्क पड़ता है, राजा कौरव हो या पांडव क्या फर्क पड़ता है, जनता तो गंधारी। आप मानते क्यों हैं राजा होगा ही क्यों, राजा नहीं होगा, ना कौरव राजा होगा ना पांडव राजा होगा, राजा ही नहीं होगा काजी, राजा ही नहीं होगा, राजा नहीं, इस लोकतंत्र में राजा का वजूद नहीं है। मंचों पर चढ़कर बड़े बड़े बात, जब जयराम को यहां डिटेन किया गया था, गिरफ्तारी नहीं डिटेन किया गया था, तो सबसे पहले मोतीलाल महतो भाग जाते हैं और उसके बाद वीडियो बनाते हैं कौन टाइगर को अरेस्ट करेगा जी, वाह। और लोगों ने उसके, और मोतीलाल ने कहा पूरा झारखंड जला देंगे, जिस राज्य के लिए पूरा देश लड़ रहा, जिस राज्य के लिए राज्य की सवा तीन करोड़ आबादी लड़ रही है, वाह, उसी राज्य को जलाने की बात की जाती है, गजब। उसी राज्य को, मोतीलाल ने खुद को प्रायोजित करने के लिए जयराम का इस्तेमाल कर रहा है, मोतीलाल ने खुद को प्रायोजित के लिए जयराम का इस्तेमाल किया है। राजा से राज्य नहीं चलता है, एक लिख रहे हैं राजा के बिना राज्य नहीं चलता, राजा से राज्य नहीं चलता है, ये लोकतंत्र है, यहां नेता होता है। मोतीलाल ने इस पूरे आंदोलन को कई भागों में बांट दिया, झूठ बोलकर मुंबई जाकर मोदी जी का मन का बात सुनते हैं और यहां का फिर बोलते हैं ना 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 ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। तो फिर से जयराम से कहेंगे कि ऐसे लोगों से एकदम, और हां सवाल अगर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से पूछते हैं हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जब सवाल करते हैं तो जेबीके से भी करेंगे ना, या तमाम लोगों से करेंगे। अगर आप हमको सोचते, मैंने हेमंत सोरेन के खिलाफ कई रिपोर्टिंग की है, हेमंत सोरेन के जो तामझाम है उसके खिलाफ रिपोर्टिंग की है, पर हमको कभी आदिवासी विरोधी नहीं बोला गया। लेकिन जयराम के विरोध में अगर बोल दे, जयराम के मोती के और ऐसे लोगों के विरोध में बोल दिया जाए तो हमको जाति का विशेष का विरोधी बता दिया जाता है। आंदोलन के नाम पर चंदा होगा ही मत कीजिए, अंतिम दौर है इस लाइफ का तो हम कह देते हैं, क्योंकि हमको भी लोग ऐसे थोड़े कि जो आपको चंदा दे रहे हैं वो जानकारी हमको नहीं दे रहे हैं, भेजा दे स्क्रीनशॉट, जितना चंदा आया उसका पूरा डिटेल मेरे पास दिए, और जिन लोगों ने भेजा है आपको वो भी भेजते हैं कि देखिए भैया भेजे हैं, क्योंकि लोगों को नहीं बताया, मुझे लिख कर भेजा गया कि टुसू हो चाहे सोहराय हो या करम हो के दौरान हमको, हम लोग जयराम को पैसे, मोतीलाल को कितना पैसा भेजे और मोतीलाल उसका हिसाब नहीं दिया, मांगा गया जब, और 10 और 10 बाद ये जो जून का बंदी था 19 अप्रैल 10 जून की बंदी, वो लिखते हैं कि वो दोनों बंदी असफल रही थी, डुमरी और टुंडी के, डुमरी और उस इलाके में जिस इलाके में मोतीलाल थे, हम पढ़ा देते हैं।
रिजवान के साथ जो हुआ तो वो गलत हुआ। रिजवान ने ये कह दिया कि जब तक जयराम महतो मुख्यमंत्री नहीं बने तब तक हम शादी नहीं करेंगे, और कल जब मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हो रही थी उसमें जयराम महतो ने रिजवान को नहीं बुलाया गया। जब जो लोग यहाँ लिख पढ़ रहे हैं, अज्ञानी लोग, 25 साल तक की उम्र के लोग लटपट लिख रहे हैं, उनको पता ही नहीं इस आंदोलन का इतिहास। किसी व्यक्ति ने जानबूझकर यह प्लांट किया ताकि सब कुछ बिखर कर रह जाए। आखिर मोती को किसने प्लांट किया इस लड़ाई में? मोतीलाल महतो को, राक्षस राज रावण को किसने प्लांट किया यहां कि उसके आने के बाद सब कुछ विवाद में बढ़ गया? कौन लोग थे वो? और कई बार सांप से ज्यादा आस्तीन के सांपों से बचना चाहिए, वो बहुत खतरनाक है। अब भी समय है, चीजों को बेहतर किया जाएगा तो शायद बेहतर हो पाएगा। और फिर से जयराम को एक बात कहना चाहते हैं कि आपके साथ रहने वाले लोगों ने आपका कान भरा है और आपके समर्थकों को आपका विरोधी बताया। जो लोग आपको बर्बाद करना चाहते वही आपके समर्थक बन बैठे हैं, और यह आपको बुरा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सच हमेशा बुरा लगता है। एक आंदोलनकारी जयराम महतो का साथी बराबर पूर्व विधायक योगेंद्र महतो से आकर क्यों मिलता, जरा पता कीजिए। कहीं लोगों के हेमंत सोरेन से कोई लिंक तो नहीं है? जब तक मिलबोन है तब तक हिलबोन है। हम नारा नहीं दिए थे, ये नारा जिसने दिया था उससे पूछिए। जाने का भी प्लानिंग नहीं था, कुछ ऐसी हो जाता। छोड़िए उसको, क्या बात मानना पड़ता है। हम जब पत्रकारिता में वापस आए तो पत्रकारिता का एक अपना दायरा है, उस दायरे पर काम किए। बाकी सबको शुभकामनाएं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। फिर से कह रहे हैं कि आपस में टिक्का टिप्पणी करने से अच्छा है एक साथ मिलकर लड़ा जाए। जिनके खिलाफ लड़ना चाहिए उनके खिलाफ नहीं लड़कर अपने लोगों के खिलाफ लड़ा गया, अपने लोगों पर टिक्का टिप्पणी की गई अपनी ख्याति के लिए। पुराने लोग एक साथ आ सकते हैं, कोशिश तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमेशा झारखंड हित के लिए बात करूंगा, अपने हित के लिए। बाकी क्षमा चाहूंगा किसी को बुरा लगे तो, जरूरी नहीं कि आप मेरे कमेंट्स को, मेरे वीडियोस को नेगेटिव ही लें, कई बार पॉजिटिव भी ले सकते हैं, अच्छा लगेगा। बाकी मेरा कार्यालय है, जब तब समझ दें कि समय आता है। बाकी जो भी है तो बात की, तो सवाल बैचलर पुनिया यार, आप सवाल लिखिए हम जवाब दे देते हैं, आखिरी बार आप ही का जवाब दे देते हैं। बाकी दोनों एक साथ तब होंगे जब उनके साथ रहने वाले लोग ये बात माने। बाकी मिलते हैं, कई लोगों ने प्रयास किया साथ आने का, पर जो लोग लगातार कंटिन्यू रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।